वर वह आप किसी को जल्दी बैत नहीं फरमाते थे और बहुत इबादत और रियाजत करवाने के बाद जब किसी को बैत फरमाते तो उस मुरीद को उसी रात ख्वाब में अल्लाह ताला की तजली के जलवों का दीदार हो जाया करता था सुबह अल्लाह 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 की शान, अल्लाह। नाजरीन आज हम मज़ार मुबारक की ज्यारत कर रहे हैं हजरत सैयद अब्दुल समद खुदा नुमा अल अलमारूफ दादा मियाँ रहमत आप एक आले रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम हैं और सिलसिले आलिया कादरिया रज़ाकिया इस्माइलिया के बहुत बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं आप जामिया वो दानिशे जाहिर व बातिन थे और व तकवा और इबादत व रियाजत में मुमताज़ थे आप हजरत ख्वाजा शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफ़ा हैं और आपके खलीफ़ा मखदूम सैयद बासवी रहमतुल्लाह अलैह हैं और इनके खलीफा हज़रत मीर सैयद इस्माइल वास्ती बिलग्रामी अलैह हैं आप हज़रत ख्वाजा शाह हिदायतल क़दरी रहमतल्ला के मुरीद और खलीफा हैं और आपके खलीफा मखदूम सैयद अब्दुलरजाक बासी रहमतल्ल आय हैं और इनके खलीफा हज़रत मीर सैयद इस्माइल वास्ती बिल बिलगिरामी रहमतल्ल मसूली शरीफ हैं आपका मजार मुबारक अहमदाबाद गुजरात इंडिया में मरज खलायक हैं हमने डिस्क्रप्शन में गूगल मैप का लोकेशन दे दिया है आप उसे फॉलो करके आसानी से जियारत के लिए जा सकते हैं आपकी हयात ज़िंदगी के बारे में मज़ीद मालूम के लिए वीडियो को पूरा देखें इन शूमत में जरूर इजाफा होगा वैसे आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए जियारत जारी रखते हैं हज़रत मे सैद अब्दुलसमद खुदा नुमा कदरी अलमाफ दादा मियाँ रहमतल आप अपने वक्त के बड़े ही माए नाज आलो फाजिल से जुमला जुमलाफ़नून को हासिल फरमाया आप हजरत ख्वाजा शाह हिदायतुल्ला कदरी चिश्ती रहमतल्ला के मुरीद व खलीफा है जो महबूब बारी सरकार शाह आलम बुखारी रहमत के पाँचवें सज्जादा नशीन हज़रत जलालीन माह आलम रम्ल के खलीफा हैं। आपको हजरत से चारों सिलसिलों की इजाज़त हासिल थी आप सारी ज़िंदगी इशाते इस्लाम और खदमत हल्क करते रहे आपको खुदा नुमा कहने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि पहले तो आप किसी को जल्दी बैत नहीं फरमाते थे और बहुत इबादत व इजाजत करवाने के बाद जब किसी को बैत फरमाते तो उस मुरीद को उसी रात ख्वाब में अल्ला ताला की तजली के जल्दों का दीदार हो जाया करता था एक मरतबा आपकी बारगाह में मखदूम सैद अब्दुलरजाक बासवी रहमत बड़ी दूर से घोड़े पर सफ़र करके हाजिर हुए आपने मामूल के ख़िलाफ़ उनके आते ही उनको मुरीद कर लिया इजाज़त भी अता फरमा दी और ख़िलाफत से भी नवाज दिया इसको देख कर दूसरे लोग जो आपकी बारगाह में कई दिनों से चिल्ला कशी कर रहे थे आपसे पूछने लगे के हुजूर, वो शख्स आए आपने ना उनसे कोई रियाजत व मुजाहिदा करवाया ना कोई चिल्ला कशी बल्कि मुरीद के साथ साथ इजाजत व खिलाफत भी अता फरमा दी आपने मुस्कुराते हुए इशाद फरमाया कि वो शख्स अपने दिल में चिराग भी लेकर आया था उसमें तेल भी था और बत्ती भी मौजूद थी अगर ज़रूरत थी तो सिर्फ नस्बत के आग की थी जो मैंने लगा दी सुबहानल्ला आपने निका नहीं फरमाया और खुल्फा में भी मखदूम अब्दुलरजाक बासवी रहमतल्लाह का ही नाम मिलता है जिनका मजार पाक बासा शरीफ यूपी में है और जो हजरत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतल्ला देवा शरीफ के दादा पीर है आपका मजार पाक अहमदाबाद के तीन दरवाजे के करीब है जहां हर साल दो उर्स मनाए जाते हैं एक उर्स नौ आखिर को और दूसरा उर्स चार जमादिल आखिर को मनाया जाता है